नमस्कार, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज तारीख है 9 अक्टूबर 2019, और ये जो हमारा एपिसोड नंबर है, एपिसोड नंबर है 438। ये हमारे चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब बटन पर और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। साथ ही साथ ये हमारी वेबसाइट्स हैं ssccglpinakal.com और baljitdhaka.com। करंट अफेयर्स का ये जो वीडियो है, मैं रोज सुबह 4 बजे आपके लिए हमारे चैनल्स पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस पर अपलोड कर देती हूँ। चलिए अब हम चलते हैं प्रीवियस क्विज पर। प्रीवियस क्विज में आपसे पूछा गया है, हाल ही में जर्मनी में वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 विश्व रिकॉर्ड जो है वो किसने जीते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, और आंसर जो है यहाँ पर वो है सुरेंद्र सिंह। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ये स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स हैं आपके सामने। चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पूछा गया है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए 2019 का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसने जीता है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, हाल ही में दिया गया है ये विलियम जी कैलन, पीटर जे रैडक्लिफ, ग्रेग एल सेमिनेजा, इन तीनों को ही दिया गया है। तो आंसर जो है यहाँ पर हमारा डी होगा। मेडिसिन के लिए 2019 का जो नोबेल पुरस्कार है इन तीनों को दिया गया है। इन्हें ये पुरस्कार संयुक्त रूप से कोशिकाओं की समझ और ऑक्सीजन की उपलब्धता की अनुकूलता की अपनी खोजों के लिए मिला है। यह इस श्रेणी में 110वां पुरस्कार है, और सबसे पहले मेडिसिन का जो पुरस्कार है वो साल 1901 में दिया गया था। ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। थोड़ी और मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। आपको बताना चाहूंगी उन सभी भारतीयों के बारे में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था लिटरेचर साहित्य के लिए। सीवी रमन को भौतिकी के लिए मिला है। हरगोबिंद खुराना को चिकित्सा के लिए। ये भारतीय मूल के अमरीकी नागरिक हैं। मदर टेरेसा जो है उनको मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार। सुब्रमण्यन शंकर जो है इनको भौतिकी के लिए, ओके। अमर्त्य सेन जो है इनको अर्थशास्त्र के लिए। वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन केमिस्ट्री में, और कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए मिला है। आपको मैं साथ में ये भी बता देती हूँ कि 2018 का नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के लिए किसको मिला था। ये जेम्स एलिसन और तासुको होंजो जो कि जापान के हैं, उन्होंने जो कैंसर से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली की खोज की थी उसके लिए इन दोनों को मेडिसिन के लिए मिला था। ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। यहाँ पर आप इन तीनों की तस्वीर देखिए, इन तीनों को मिला है नोबेल प्राइज मेडिसिन के लिए। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित किए गए IAAF विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 का शुभांकर क्या था। और यहाँ पर आंसर जो है हमारा वो है फला। आंसर यहाँ पर हमारा क्या है, आंसर जो है वो ए है। 2019 के लिए IAAF वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का 17वां संस्करण जो है वो 27 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक, ओके, 6 अक्टूबर तक ये कतर के दोहा में वहां पर जो खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम है उसमें आयोजित किया गया। यह इस नाम के तहत प्रतियोगिता का पहला संस्करण था। इससे पहले एथलेटिक्स में विश्व चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता था। शुभंकर क्या था, शुभंकर फला। मैं आपको दिखाती हूँ शुभंकर, यहाँ पर आप देखिए ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ओके, फला। ये एक मानवकृत बाज है, एक्चुअली एक बाज है जो कतर के ध्वज के मरून रंग के एथलेटिक गेयर जो है वो उसने यहाँ पर पहने हुए हैं। और IAAF जो है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। और अपने हाल ही के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि बीजिंग 2022, ओके, जो बीजिंग 2022 में ओलंपिक शीतकालीन खेलों का आधिकारिक शुभंकर के बारे में मैंने बताया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि बीजिंग में जो 2022 में ओलंपिक शीतकालीन खेल होंगे उनका आधिकारिक शुभंकर कौन सा है, यह आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न, यूनेप
यूनेप द्वारा प्रतिष्ठित एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? पुरस्कारों से संबंधित ये प्रश्न है। आंसर है यहाँ पर हमारा रमेश पांडे। तो आंसर क्या है? आंसर जो है वो डी है। वरिष्ठ भारतीय वन सेवा अधिकारी है रमेश पांडे। इनको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रतिष्ठित एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार के लिए चुना गया है। पांडे 13 नवंबर को बैंकॉक में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन केंद्र में पुरस्कार जो है प्राप्त करेंगे और ये 1996 बैच के IFS अधिकारी हैं। ये थी जानकारी। अब मैं आपको इनकी तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इनकी तस्वीर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 4, भारत को हाल ही में किस देश ने भारतीय बैंक खातों से जुड़ी पहली जानकारी सौंपी है? आंसर होगा यहाँ पर स्विट्जरलैंड। आंसर यहाँ पर क्या है? आंसर जो है सी है। नए स्वचालित सूचना विनिमय समझौते के तहत भारत को स्विस बैंक खाता विवरण की पहली किश्त मिली। अब भारत कानूनी तौर पर उन 75 देशों में से एक है जिसके साथ स्विट्जरलैंड फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने सूचनाओं का आदान प्रदान किया है। जानकारी का अगला आदान प्रदान जो है वो सितंबर 2020 में होगा। तो ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। और ये समझौता जो है काले धन के खिलाफ भारत सरकार की लड़ाई, यह संधि जो है ये 2017 में जो है उस समय अस्तित्व में आई थी। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। यहाँ पर हमने बात की स्विट्जरलैंड की, आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर तस्वीर है। और स्विट्जरलैंड कहाँ पर लोकेटेड है? यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है स्विट्जरलैंड। वहां पर कैपिटल जो है वो बर्न है और करेंसी जो है वहां पर स्विस फ्रैंक है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निम्न में से किसको सम्मानित करने के लिए एक योजना फरिश्ते दिल्ली के शुरू की है? आपको बताना है कि जो योजना है फरिश्ते दिल्ली के, ये किससे संबंधित है? आंसर यहाँ पर होगा दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल ले जाने वालों को, उनके लिए ये योजना है। आंसर यहाँ पर सी है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दुर्घटना के शिकार लोगों को अस्पताल ले जाने वाले अच्छे लोगों को सम्मानित करने के लिए ये जो योजना है फरिश्ते दिल्ली, इसकी शुरुआत की है और कहा है कि 18 महीने तक चलने वाली पहल के पायलट प्रोजेक्ट के दौरान कम से कम 3000 लोगों की जान बचाई गई है। इस योजना के तहत सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के इलाज का खर्च उठाती है और उनकी मदद करने वालों को एक प्रोत्साहन राशि भी देती है। यदि दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को उसकी दुर्घटना के एक घंटे के भीतर अस्पताल ले जाया जाता है तो उसकी जीवित होने की संभावनाएं जो हैं वो 70-80% तक बढ़ जाती हैं। ये हमारा प्रश्न 5 था और मैं आपको इससे संबंधित तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से सीएम केजरीवाल ने लॉन्च की है फरिश्ते स्कीम, फरिश्ते दिल्ली के, आगे आइए जान बचाइए। ओके, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जय भीम योजना के तहत जो राशि प्रदान की जाती है उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। पहले ये 40,000 था, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 1 लाख रुपए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस महान भारतीय गायक को इंग्लैंड के, यहाँ पर इंग्लैंड के सैलफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और आंसर यहाँ पर हमारा होगा आशा भोसले। आंसर यहाँ पर क्या है? आंसर जो है वो सी है। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को इंग्लैंड के ग्रेटर मैनचेस्टर में सैलफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। आशा भोसले को सन 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और साल 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यहाँ पर मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको आशा भोसले जो है वो नजर भी आ रही हैं। ओके, अब हमने यहाँ पर बात की दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है किस अभिनेता को दिया गया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और यहाँ पर क्योंकि सम्मान की बात की जा रही है तो एक और प्रश्न आपसे पूछ लेती हूँ कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है उसने मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित एक छोटे ग्रह को कौन से भारतीय प्रसिद्ध गायक का नाम दिया है, ये आप भी आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं।
वित्त मंत्रालय के किस विभाग ने हाल ही में ई आकलन योजना शुरू की है? यहाँ पर ये प्रश्न है आपका, ई आकलन योजना जो है वो वित्त मंत्रालय के किस विभाग ने हाल ही में शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 7, इसको स्टार्ट किया है आयकर विभाग ने। आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? आंसर ये होगा, आयकर विभाग ने घोषणा की है कि उसने यहाँ पर फेसलेस ई असेसमेंट योजना लागू की है। इसका उद्देश्य पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से आयकर रिटर्न के फेसलेस मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करना है। फेसलेस मूल्यांकन की इस नई पहल से जो करदाता है उनके लिए अनुपालन में आसानी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि करदाताओं की लागत और चिंता बहुत कम होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर हमारा जो है यहाँ पर ए है, ए हमारा राइट आंसर है। और यहाँ पर आप देखिए, आपको तस्वीर जो है वो नजर आ रही है, ई असेसमेंट स्कीम 2019। त्रिपुरा और मणिपुर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 8, और आंसर जो है यहाँ पर वो होगा गौरव गोगोई। आंसर यहाँ पर हमारा क्या है? आंसर जो है वो यहाँ पर बी है, बी इज द राइट आंसर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गौरव गोगोई को त्रिपुरा और मणिपुर का AICC का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिससे लाई जिन्हो फलदेरो को इस पद से हटा दिया गया है। और फेलेरो जो है वो अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव प्रभारी बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप तस्वीर भी देख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, रिवाइज करा देती हूँ, कि केंद्र ने त्रिपुरा के पहले SEZ की स्थापना को भी मंजूरी दी है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको मणिपुर नजर आ रहा है। मणिपुर यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है हमारा, कैपिटल यहाँ पर इम्फाल है, गवर्नर है PB आचार्य, चीफ मिनिस्टर है N बीरेन सिंह, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है 60 सीटों वाला, राज्यसभा में एक सीट, लोकसभा में 2 सीटें, कैम्बुल लामजाव नेशनल पार्क और शिरुई नेशनल पार्क जो है वो यहीं पर लोकेटेड है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हर साल विश्व डाक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमारा आंसर जो है 9 अक्टूबर है। विश्व डाक दिवस जो है इसको हर साल मनाते हैं 9 अक्टूबर को। ओके, 9 अक्टूबर को स्विस कैपिटल अभी आज के वीडियो में मैंने बताया बर्न में 1874 में, साल कौन सा है 1874 में, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में ये मनाया जाता है। फिर 1969 में टोक्यो जापान में आयोजित UPU कांग्रेस द्वारा इसे विश्व डाक दिवस घोषित किया गया था। यह प्रस्ताव भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य श्री आनंद मोहन नरूला द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये थी जानकारी प्रश्न 9 के बारे में। अपने हाल के वीडियोस में मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के बारे में, आप मुझे बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस जो है ये कितनी तारीख को मनाया जाता है? और अब मैं आपको दिखाती हूँ विश्व डाक दिवस से संबंधित तस्वीर। ये देखिए, यहाँ पर वर्ल्ड पोस्ट डे आप स्पष्ट रूप से लिखा हुआ देख सकते हैं। कब मनाया जाता है? ये 9 अक्टूबर को, ये इसकी डेट है, वर्ल्ड पोस्ट डे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, गंगा आमंत्रण अभियान के राफ्टिंग और काइंग यात्रा पर जाने वाली टीम का नेतृत्व जो है वो कौन करेगा? ओके, कयाकिंग यात्रा यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर है यहाँ पर विंग कमांडर परमवीर सिंह। आंसर जो है यहाँ पर क्या होगा? ए होगा। गंगा आमरण अभियान गंगा नदी पर एक अग्रणी और ऐतिहासिक खोजपूर्ण ओपन वाटर राफ्टिंग और कायकिंग यात्रा है। इसका शुभारंभ जो है केंद्रीय जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 7 अक्टूबर 2019 को किया जाएगा। भारतीय सशस्त्र बल की 3 सेवाओं में से 9 सदस्य टीम विंग कमांडर परमवीर सिंह के नेतृत्व में ये यात्रा करेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और मैं इससे संबंधित आपको तस्वीर जो है वो दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। और अपने हाल ही के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्हें जो उपहार दिए गए हैं उनकी नीलामी के माध्यम से जो धनराशि जुटाई जाएगी उसका उपयोग भी गंगा के कायाकल्प के लिए किया जाएगा।
तो ये था हमारा प्रश्न और अब हम आपको ले चलते हैं समरी कीवर्ड्स पर। समरी कीवर्ड्स के माध्यम से यहाँ पर आप सारे का सारा वीडियो जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। 2019 का नोबेल प्राइज जो है जो मेडिसिन के क्षेत्र में है वो विलियम जी कैलिन, पीटर जे रैडक्लिफ और ग्रेग एल समेंजा इनको दिया गया है। आगे यहाँ पर आप देखिए कि हाल ही में आयोजित IAAF विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 जो थी उसका जो मैस्कॉट था वो फला था। एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड जो है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया यूनेप द्वारा प्रतिष्ठित एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार के लिए रमेश पांडे को चुना गया है। आगे यहाँ पर दिया गया है आपको कि भारत जो है उसने हाल ही में स्विट्जरलैंड में जितने लोगों के भारतीय के खाते हैं, भारतीय बैंक खातों से जुड़ी जो जानकारी है उसने पहली जानकारी जो है वो भारत के साथ साझा की है। फिर यहाँ पर है फरिश्ते दिल्ली के, ये जो योजना है ये दिल्ली सरकार से संबंधित है। फरिश्ते दिल्ली की योजना जो है ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, इसमें जो लोग जिनके एक्सीडेंट हो गए हैं उनको अस्पताल वगैरह लेकर जाएंगे उन लोगों को दिल्ली सरकार सम्मानित करेगी। फिर आशा भोसले, ओके, आशा भोसले को इंग्लैंड के सैलफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्रालय ने आयकर, वित्त मंत्रालय का जो आयकर विभाग है उसने हाल ही में ई आकलन योजना जो है वो शुरू की है। AICC इंचार्ज जो थे त्रिपुरा और मणिपुर के उनको बदला गया है और उनकी जगह आ गए हैं गौरव गगोई। वर्ल्ड पोस्ट डे यानी कि विश्व डाक दिवस इसको हम मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को। और गंगा, लास्ट में देखिए आपको क्या दिया गया है, गंगा आमंत्रण अभियान जो है इसका नेतृत्व करेंगे विंग कमांडर परमवीर सिंह। ये जो गंगा आमंत्रण अभियान है इसके राफ्टिंग और काइकिंग यात्रा पर जाने वाली जो टीम है उसका नेतृत्व करेंगे विंग कमांडर परमवीर सिंह। ये थे हमारे सभी प्रश्न। आ जाइए क्विज फॉर द डे पर। क्विज फॉर द डे में आपसे पूछा गया है कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए 2019 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका आंसर देंगे। किस महान भारतीय गायक को इंग्लैंड के सैलफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है, ये हमारा प्रश्न दो है। इन दोनों प्रश्नों के आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। ये आपके लिए प्रश्न है यहाँ पर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप लाइक बटन पर भी क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर आप क्लिक करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।